केंद्र सरकार ने पोल्ट्री फार्मिंग को समर्थन देने के लिए 5.5 लाख टन जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयमील यानी कि GM सोयमील के आयात को अनुमति दे दी है। गौरतलब है कि पोल्ट्री उद्योग लगातार सोयमील की कमी से जूझ रहा है और पिछले साल भी उद्योग से जुड़े लोगों ने इसे आयात करने की मांग उठाई थी। सरकार ने तब अगस्त में आयात नियमों को ढीला किया था और 12 लाख टन की पहली खेप भारत पहुंची थी। इस बार 30 सितंबर से पहले इस खेप को भारत में आयात करने का आदेश है। दरअसल सरकार ने 2021 के अगस्त में 12 लाख टन GM सोयमील के आयात को अनुमति दी थी, लेकिन व्यापारी केवल 6.5 लाख टन सोयमील के आयात का ही सौदा कर पाए थे। इसलिए इस बार सरकार ने बची हुई 5.5 लाख टन के आयात को अनुमति दी है। सरकार के इस फैसले का सोपा ने विरोध किया है। सोपा का कहना है कि जब सरकार किसी और जेनेटिकली मॉडिफाइड उत्पाद की खेती नहीं करने देती तो उसे बाहर से भी इसके आयात की अनुमति नहीं देनी चाहिए। सोपा का कहना है कि इसका असर भारतीय किसानों पर पड़ेगा क्योंकि उन्हें उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल पाएगा। सोपा के एक अधिकारी ने कहा कि भारत के पास सोया मील का पर्याप्त भंडार है और इसका अक्टूबर में शुरू होने वाली सोयाबीन की फसल की पेराई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सोपा की ओर से केंद्र सरकार को भेजे गए पत्र में लिखा गया है कि इस आयात को अनुमति देने का कोई तर्क नहीं है। वहीं जानकारों का कहना है कि 2021 में सोयाबीन किसान बीजों की किल्लत की समस्या से जूझ रहे थे और तब उन्होंने जैसे तैसे महंगे बीज खरीदकर बुआई की थी। उस समय सरकार ने सोयाबीन बीज उपलब्ध नहीं कराया था, लेकिन जैसे ही किसानों ने उसकी बुआई की और बीज की किल्लत के चलते कम उत्पादन और कीमतों में बढ़ोतरी का हल्ला मचा, वैसे ही पोल्ट्री ने सरकार से सोयाबीन मील आयात करने की मांग की थी और सरकार ने इसकी मंजूरी भी दी थी। सरकार के इस फैसले की वजह से सोयाबीन के दामों में जोरदार गिरावट आई थी और दाम MSP के से भी नीचे चले गए थे। उस वक्त पोल्ट्री ने बाकी बची हुई सोयाबीन मील का आयात नहीं किया था जब दाम काफी कम थे, और अब वर्तमान में जब दाम किसानों के हित में है तो पोल्ट्री फिर से GM सोयाबीन मील आयात करने की मांग कर रही है। पोल्ट्री को 2021 में ही सस्ते दामों पर सोयाबीन खली का आयात कर स्टॉक कर लेना चाहिए था। अब वर्तमान में सरकार ने इसके आयात की मंजूरी दे दी है, लेकिन ऐसे समय में दी है जब इसकी बुआई का सीजन नजदीक ही है और कीमतें अब जाकर कुछ सुधरी हैं। जानकारों के अनुसार ऐसा करने से सोयाबीन किसानों का मनोबल टूट जाएंगे और कीमतें भी धड़ाम हो जाएंगी। दूसरी ओर जानकारों का ये भी कहना है कि जब सरकार किसी और जेनेटिकली मॉडिफाइड उत्पाद की खेती ही नहीं करने देती तो बाहर से भी इसके आयात की अनुमति क्यों ही दी। भारत में पर्याप्त मात्रा में सोयाबीन उपलब्ध है और सोयाबीन खली भी। घर में सब कुछ होने के बावजूद बाहर से खरीदना सही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं। बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।